भी जालिम ना बनो कि कोई तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर मर जाए। बस एक बार उसे अपनी सूरत तो दिखा दो। तैमूर, आप ही ले जाए ना इसे फरहाद से मिलाने। जाना होगा तो खुद चलिए। बाजी जी, बाजी, बाजी जी, आपने पानी मांगा था। मैं नई मेट ला रही हूँ तैमूर। क्यों? अब फिरोजा में तुम्हें क्या बुराई नजर आने लगी है? तुमसे बात नहीं की मैंने। मैं सोच रही हूँ तैमूर, एक ऐसी मेट हो जो इंग्लिश में बात करे ही से। ये तो अच्छी बात है। कोई अच्छी बात नहीं है, यही मेट ठीक है, कोई और मेट लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम मेरी हर बात को निगेट क्यों करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे हमदर्दी की, तुम्हें अपने घर में जगा दी, तुम मेरी बेटी, मेरे शौहर और अब मेरे घर पे कब्जा करना चाहती हो? अपनी चीजों पर कब्जा कौन करता है? वाह, खूब, अब तुमने अपना भी समझना शुरू कर दिया। गैरा, इतनी छोटी सी बात पे लड़ने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है ये, इसने मेरी बेटी का स्कूल बदल दिया, अब मेड बदल रही है, आज उसे घर से निकालिए, कल मुझे घर से निकाल देगी, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? तो मत करो बर्दाश्त, चली जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में आ जाओ। मैंने रिजाइन कर दिया। क्यों? आप ही कहते थे ना कि पूरा दिन हॉस्पिटल में रहती हूँ, हीर का ख्याल कौन रखेगा? अब मैं पूरा दिन घर में रहूंगी। मैंने तो यूं ही एक बात की थी। नहीं, आपने जो बात की मैं वो समझ गई, और जो नहीं की वो भी मैं समझ गई। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ दिन के लिए अमेरिका चलें। हाँ, क्यों नहीं? ऐसा करो कि तुम अभी चली जाओ, जैसे ही हीर की वेकेशन होंगी तो मैं और हीर भी आ जाएंगे। आपके और हीर के बगैर जाकर मैं क्या करूंगी? हीर मेरे बगैर कैसे रहेगी? कौन ख्याल रखेगा उसका? तो ऐसा है ना, वो रख लेंगे।
सही सही गरम मसाला, चने की दाल, हाँ ये भी है। चलो और क्या रह गया? चने की दाल, चने की दाल। क्या कर रही हो? बाजी जी परसों हीर की सालगिरह है ना, तो गिना बाजी ने कहा है कि दावत के लिए सामान की लिस्ट बनाओ। हीर की सालगिरह परसों? नहीं, हीर की सालगिरह तो 3 महीने बाद है। छोड़ो इसे, कोई सामान वामान लाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसे। बाजी जी, रोमेशा बाजी कह रही हैं कि परसों हीर की सालगिरह नहीं होगी। ये फिरोजी से क्या कहा है तुमने? मैं बस ये पूछ रही हूँ कि तुम लोग परसों किस हिसाब से हीर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं तुम्हें कोई हिसाब किताब देने की पाबंद नहीं हूँ। तो ठीक है, परसों हीर की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हीर 13 दिसंबर को पैदा नहीं हुई थी। पैदा किसी भी दिन हुई हो, हम हीर की बर्थडे उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हमने उसे अडॉप्ट किया था। लेकिन अब उसकी बर्थडे उसी दिन सेलिब्रेट होगी जिस दिन वो पैदा हुई थी। उसकी पैदाइश का दिन उसके लिए मनहूस था क्योंकि उस दिन हीर की माँ उसे छोड़कर भाग गई थी। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, बस फैमिली फ्रेंड्स होंगे। मैं छोड़कर नहीं भागी थी। ठीक है, बर्थडे परसों ही सेलिब्रेट हो और तुम उस दिन मेरी और हीर की हकीकत सबको बताओगे। काम करो, तुम हीर का बर्थडे कैंसिल कर दो। मैं वेट कर रही थी कि कब आप ये बात करेंगे। और क्या हुक्म दिया उसने आपको? अच्छा फिर यूं करो, घर में सेलिब्रेट कर लो, गेस्ट वगैरह को इनवाइट मत करो। एक काम करते हैं ना, हम ये बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि हम हर वो काम नहीं करेंगे जिससे रोमेशा ने मना किया। मैं रोमेशा की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस वैसे ही। मैं तो सिर्फ हीर की बर्थडे का वेट कर रही थी, वरना मेरा तो वीजा लग चुका है, वैसे भी मैं जा रही हूँ। कब है फ्लाइट? आपका तो बस नहीं चल रहा कि मुझे अभी जहाज पर बिठा दें। वेट करूंगी मैं आपका, हीर को लेकर जरूर आइएगा वोकेशंस पर। Thank you.
का तो बस नहीं चल रहा कि मुझे भी जहाज पर बिठा दो। वेट करूंगी मैं आपका, हीर को लेकर जरूर आइएगा वेकेशन पर। रेना ने हीर की बर्थडे कैंसिल कर दी। क्यों? मैं तो चाहती थी, वो जा रही है। आराम ऐसा वो जा रही है। अब हम अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे हमने यूनिवर्सिटी में सोची थी। बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी के बाप की हैसियत से कबूल किया है, और जो जिंदगी हमने यूनिवर्सिटी में सोची थी उसे गुजारने की ख्वाहिश का गरा तो तुम कब का घूम चुके हो। तुम ऐसा हमें माजी को भुलाना होगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ कि जो ख्वाब हमने माजी में देखे थे वो तुम्हें भुलाने होंगे। और हाल की हकीकत ये है कि तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी है, और उस मजबूरी की वजह है हीर। फैसले का वक्त आ चुका है तैमूर। हीर मुझसे अब कंप्लीटली अटैच्ड हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो अभी जाकर गिना को सारी हकीकत बता सकते हो। गिना को मैं उस वक्त बताऊंगा जब तुम मुझे सिर्फ अपनी बेटी के बाप की हैसियत से नहीं बल्कि अपने शौहर की हैसियत से भी कबूल करोगे। फिरोजा जी। बाजी जी, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, पैकिंग करनी है। बाजी जी, आपको लड़ना चाहिए। जब जज ही मुखालिफ पार्टी के साथ मिल जाए तो लड़ना वक्त का ज़िया होता है। तो हीर बीबी को क्यों छोड़कर जा रही है? उसे अपने साथ लेकर जाए ना, वही तो मेरे पीछे मेरी वकालत करेगी। तुम देखना, वही तैमूर को मेरे पास लेकर आएगी। अब जाने से पहले मैं खुद पता चलाऊंगी उसके शौहर का। हो सकता है कि वो खुद ही अपने शौहर से छुपती फिर रही हो। बस ठीक है ना यार, जो हो रहा है होने दो। गिना के जाने के बाद रफ्ता रफ्ता वो तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाएगी। मेरे और उसके बीच तलख माजी की बहुत ऊंची दीवार है। वो मेरे साथ कभी नॉर्मल नहीं होगा। वो मेरी जिंदगी में क्यों वापस आ गया? तुम अब ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो यार? मुझे एक ख्याल बार बार तंग कर रहा है। क्या? जिस तरह उसने हीर को गिना से दूर कर दिया, कहीं गिना के जाने के बाद वो उसे मुझसे ना दूर कर दे। वो ऐसा नहीं करेगी। जैसा तुमने बताया, उसने अपनी बेटी के बाप की हैसियत से तुम्हें कबूल किया। एक बात कहूं तैमूर, बुरा मत मान। मुझे लगता है कि गिना और रुमैसा में से तुमने रुमैसा का इंतखाब इसलिए किया कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मजीद बच्चों की ख्वाहिश थी, वरना अब मोहब्बत तुम्हें भी नहीं है उससे। तो क्या मेरी ख्वाहिश जायज नहीं? अब हर ख्वाहिश तुम्हारे मुताबिक थोड़ी होगी, तुम्हें भी तो कॉम्प्रोमाइज करना है। वो कहती रही पहले अपने पेरेंट्स को भेजो, लेकिन तुमने उसे छुपकर निकाह करने पे फोर्स किया। इसी बात का खमियाजा वो आज तक भुगत रही है। एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से मेरा मशवरा तुम्हारे लिए यही है कि गिना को सब कुछ बता दो और उसे तलाक दो।
कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैंने रहना के साथ बहुत गलत किया। ये एहसास तुम्हें अब हो रहा है? मेरी नजर में तुम एक कंफ्यूज शख्स हो। रुमैसा ठीक कहती थी, फैसला करते हुए तुम लड़खड़ा जाते हो। मैं दोनों को भी तो साथ रख सकता हूं। तुम वाकई जा रहे? हाँ, टी ऑफ करने चलोगे साथ? खुशनसीब होती हैं वो औरतें जिनका मैका होता है जो अपने शौहर से लड़के अपने बाप और भाई के सर पे बैठ जाती हैं। और तुम्हें तो वो सारे रिश्ते मिले हैं ना, नाना नानी, चाचा चाची, सब। रुमैसा प्लीज, मैं हमेशा से उस रवैये के खिलाफ थी जो खानदान वालों ने तुम्हारे साथ और खाला के साथ रखा, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो मैं चाहकर भी किसी को बता नहीं सकूंगी। कि सब यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें अपने घर में जगह क्यों दी, मैंने तो तुम्हें बहन समझ कर रखा हुआ है, लेकिन तुम तो सौतन बनने जा रही हो। नहीं, मैं रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं रखूंगी। मम्मी जी भी नहीं चाहती कि तुम तैमूर को छोड़ के जाओ। तो क्या चाहती हो तुम? मैं यहां रहकर तुम दोनों के दरमियान चलने वाला गंदा खेल देखती रहूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी यहां से। तू सामान उठा और चली जाओ। चली जाऊंगी मैं, मगर मैं हीर को अपने साथ लेके जाना चाहती हूं। ऐसा किसी सूरत में होगा। तैमूर खुद तुम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, हम शाम में बात करेंगे। रुमैसा, अब तुम्हें गिल्ट हो रहा है ना? गिल्ट? मैं तो चाहते हुए भी बेहिस नहीं हो पा रही। की हीर तो सो रही है। मैं सोच रही थी कि हीर को थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले जाऊं, लेकिन चलो सो के मैं अकेली चली जाऊं। सो थोड़ी रही थी, मैं तो एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, तो हीर एक्टिंग भी करने लगे हो? इधर आओ। कब तक आओगे? देर हो जाएगी। आज हम खैना को सब कुछ बता देंगे, मैंने उससे बात कर ली। क्या क्या बात की तुमने? यही कि आज शाम तैमूर तुम्हें हकीकत बताएगा, ऐसी हकीकत जिसको जानने के बाद उसे मेरा हर अमल जायज लगेगा। उसने क्या कहा? वो समझ रही है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। अभी कहाँ है खैना? हीर को लेके बाहर गई है, कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी उसके साथ, मैंने भी जाने दिया।
ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। मेरे आने से पहले कोई बात मत करना। जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। पापा को साथ ही नहीं लाए? क्योंकि मैं आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आपने पापा के साथ वेकेशंस पर आना और आप पापा को फोर्स करना, जिद करना और मेरे पास लेके आना। पापा तो मेरी हर बात मानते हैं, वो आ जाएंगे मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। तैमूर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम इस वक्त होश में नहीं हो। जब होश में आओगे तो बात करेंगे। अभी जाओ यहाँ से। मैं तो होश में आ जाऊँ, तुम होश में कब आओगी? हाँ, धोखा दे रहा तुम्हें। सफर जाके अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। चलो कर रहे तुम थोड़े से। शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बीवी के होते हुए अपनी कजन से चक्कर चलाता है? अब मुझे समझ आई, तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा? मेरा मुक्का कहाँ? फरहान छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? अंदर लेके जाए। एक बात का जवाब तुम दे। तुमने मुझे कहा था कि तुम किसी के निकाह में हो। तैमूर के साथ चक्कर चलाते हुए तुम्हें ये बात याद नहीं आई? कितनी घटिया हो तुम, किसी कजन का घर बर्बाद कर रही हो। छोड़ रहा हाथ। तैमूर शौहर है मेरा। मैं दूध लाती हूँ आपके लिए। फिरोजा से कह दो। फिरोजा हीर के पास होगी, मैं लाती हूँ। फरहाद से बात हो गई है मेरी, वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि हमें गिना को अब सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे भी सोचने के लिए वक्त। ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं खुद जाकर गिना को बता देती हूँ। तुम उसे कुछ नहीं बताओगी?
अगर मुझसे पहले तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। हाँ तो दे दो तलाक, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। तुम्हें सब कुछ नहीं करूंगी, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ हीर की माँ की हैसियत से रखा और तुम सिर्फ इसी हैसियत से यहाँ रह सकती, मगर उसे ले जा नहीं सकती। और अगर अदालत जाना चाहती हो ना तो शौक से जाओ, मैं तो रुकैया से कह के गवाही दिलवा दूंगा कि तुम उसे छोड़कर भाग गई थी। तुम्हारे लिए कौन गवाही देगा? Then I'm sorry for all this. Thank you. It's okay. रुमैसा, हीर को मेरे कमरे में भिजवा दो, वो बहुत रो रही थी। हीर, मम्मी खाला, मेरे पापा कहाँ हैं? कैसे हैं? फराद अंकल उन्हें क्यों मार रहे थे? बेटा रो क्यों रही हो? पापा बिल्कुल ठीक हैं आपके और बुला भी रहे हैं आपको। चलो आजो, रो मत, आजो। एक पेन किलर ले लीजिएगा। पापा आज मैं आपके और मामा के साथ सोऊंगी। हीर, आज आप रूमी खाला से कहानी नहीं सुनोगे? नहीं, मुझे आज रात पापा को ठीक करना है ना। अब तैमूर और पापा आराम कर लें और बाकी सब लोग अपने कमरे में जाएं। मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ हीर की माँ की हैसियत से रखा और तुम सिर्फ इसी हैसियत से यहाँ रह सकती, मगर उसे ले जा नहीं सकती। और अगर अदालत जाना चाहती हो ना तो शौक से जाओ, मैं तो रुकैया से कह के गवाही दिलवा दूंगा कि तुम उसे छोड़कर भाग गई। तुम्हारे लिए कौन गवाही देगा? वो हीर को भेज दो, उसे स्कूल के लिए रेडी कर दो। खुद कर दूंगी मैं। बड़ा रेडी करोगी तुम? खुद तो तुम सोई पड़ी थी, अगर मैं ना उठाती तो क्या करती तुम? जैसे रोज तुम उठाती हो ना मुझे। तो स्कूल में जाना हीर। हेना, तुमने हीर को गलत यूनिफॉर्म पहना दिया है। इसे आज अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड्स की याद आ रही थी, इसलिए आज से अपने पुराने स्कूल जाएंगे। हीर कोई फुटबॉल नहीं है जिसे एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में फेंक दिया जाए। Exactly. इसलिए इसका वही स्कूल होगा जो पहले था। नाश्ता करके दवाई खा लीजिएगा।
महीर को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। ही जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं आ रही हूँ। तुम रहने दो, फिर मैं सर ड्रॉप कर दूँगी। तुम कर दोगी ना? हाँ। Yes? आपने मुझे बुलाया मैडम? मैंने? मैं क्यों बुलाऊंगी आपको? Oh, I'm so sorry. Have a seat, please. Thank you. Actually, मुझे आपसे अपना एक पर्सनल इश्यू डिस्कस करना था। Yes. तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि कोई अच्छा फैमिली लॉयर है आपकी नजर में तो मुझे बताइए। मैडम किस सिलसिले में मिलना था आपको? नहीं, ये तो खैर मैं उन्हीं से डिस्कस करूंगी। आप बस मुझे इतना बताएं कि कोई ऐसा अच्छा फैमिली लॉयर जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, आई मीन उसने काफी केसेस भी जीते हो। जी जी, जुनेद फर्रुख, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत मशहूर फैमिली लॉयर है और बहुत केस जीते उन्होंने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ओके, नाम तो खैर मैंने नहीं सुना, लेकिन आप बात करें उनसे, हो सके तो हम आज ही चलते हैं, बल्कि अभी चलते हैं उनके पास। मैडम मुझे फोन करके उनसे पूछ लेने दें, और इस वक्त तो वो वैसे भी कोर्ट में होंगे। ठीक है, तो आप फिर कॉल कर लें और ट्राई करें कि आज का टाइम ही ले लें। ठीक है मैडम, मैं कॉल करके उनसे टाइम ले लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आज ही आपकी मुलाकात करा दूं। ओके। नहीं तुम घर मत आना, बस जैसे ही मीटिंग हो जाए तो मुझे ईमेल कर देना सारी डिटेल्स। अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं ऐसी, हल्का सा ब्रूज है। मैं तो ऑफिस आना चाह रहा था लेकिन बिना नहीं मना कर दिया। और उमेशा, वो कहाँ है? ऑफिस गई है। चलो तुम आराम करो, मैं शाम में कॉल करता हूँ। ओके। I'm very thankful to you, वकील साहब। आप आज ही आ गए। अब आप मुझे बताएं, इस केस में क्या हो सकता है? आपने जो मुझे बात बताई है, वो सच तो है ना? मेरा मतलब कोई ऐसी बात जो बाद में कोर्ट में झूठी साबित हुई, तो हमारे केस को बहुत नुकसान पहुंचेगा। देखिए, जो भी बात थी मैंने आपको डिटेल से बता दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं ये केस जीत जाऊंगी ना? केस बहुत वीक है आपका। अगर आपकी बच्ची को किसी और ने अडॉप्ट किया होता तो हम पहली हेयरिंग में ये केस जीत जाते, लेकिन आपकी बात तो बहुत अजीब है कि हम बच्ची के सगे बाप से कहें कि अडॉप्ट की हुई बच्ची को वापस करो। अगर हम नर्स पर इल्जाम लगाएं कि वो बच्ची लेकर भाग गई थी, तो हमारा केस मजबूत हो सकता है ना? क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपसे पूछा जाएगा कि आपने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई। आप तो अभी कोई जवाब नहीं दे पा रही, तो कोर्ट में तो ऐसे बहुत से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, अगर मैं अमीन के रेफरेंस से ना होता तो कोई भी झूठी होप देकर आपसे ये केस ले लेता, क्योंकि वकील को तो बस फीस से मतलब होता है। मगर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, सिर्फ 10% चांसेस हैं हमारे पास इस केस को जीतने के, वो भी अगर वो नर्स आपके हक में गवाही दे तो। मैं 10% पर भी चांस लूंगी वकील साहब, मैं ये केस लड़ूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस नर्स को कन्विंस कर सकूं कि वो मेरे हक में गवाही दे।